नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाना। एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग खतरनाक होता है। एसिडिक फूड के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर सकता है, रोक देता है ये दिमाग की कोशिकाओं का विकास। पेट दर्द होता है एल्यूमिनियम का मुख्य लक्षण एवं कारण। एल्यूमिनियम के बर्तन जो आजकल हर एक घर में पाए जाते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये हमारे शरीर में जहर का काम करते हैं। हम इन बर्तनों से जो भी खाना बनाते हैं वो खाना भी हमारे लिए एक धीमा जहर बनता जाता है। आजकल ये हमारे घरों में फ्राइंग पैन, कढ़ाही और भी कई प्रकार के बर्तनों के रूप में हमारी रसोई में मौजूद रहता है। एल्यूमिनियम के बर्तन की लागत कम है, लेकिन इनमें बना हुआ खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आमतौर पर प्रतिदिन हम 4 से 5 मिलीग्राम एल्यूमिनियम की मात्रा हमारे शरीर में पहुंचती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में बनता है। एल्यूमिनियम की इस बड़ी मात्रा को निकालने में हमारा शरीर असमर्थ है। जो हम एल्यूमिनियम के बर्तन में बना भोजन और कुछ भी उबला हुआ पीने के माध्यम से ले रहे हैं, एक धीमा जहर है। ये जहर लगातार भोजन और पीने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बने हुए खाने का रंग और स्वाद बदल गया है। आइए जानते हैं इसके नुकसान कैसे होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो एल्यूमिनियम एसिडिक फूड के साथ एक रिएक्शन करता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और भोजन के साथ मिल जाता है और हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। एल्यूमिनियम भारी धातु है और हमारा उत्सर्जन तंत्र इसको पचाने और शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ है। अगर हम इन बर्तनों में बना हुआ खाना कई सालों तक खाते रहें तो ये धातु हमारे लीवर तंत्रिका तंत्र में समा जाता है और ये अवस्था हमारे शरीर को कई गंभीर बीमारियों में डाल देता है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। यह मुख्य रूप से मस्तिष्क पर काम करता है और मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास को रोक देता है। एल्यूमिनियम का मुख्य लक्षण है पेट में दर्द होना। जब आप पेट में दर्द महसूस करते हैं तो यह एल्यूमिनियम की विषाक्तता के कारण हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, जो कि एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि आप खाना, जैसे कि रोटियां भी आजकल जो फॉयल पेपर आता है वो भी एल्यूमिनियम का होता है, उसमें ले जाते हैं, तो उसकी जगह भी आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसका निदान यही है कि आप स्टील के बर्तन यूज करें एल्यूमिनियम के बर्तन की जगह, तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।